गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट लियो पार्गियल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना की टीम ने हाल ही में लियो पार्गिल के शिखर पर चढ़ाई की है। यह पर्वत 6773 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट लियो पार्गिल के लिए अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो वो है मिताली राज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज। हाल ही में भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब मिताली राज वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस करेंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ है, बताइए यह इस युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो वो है 15वां संस्करण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वां। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2019 वाशिंगटन के नज़दीक जॉइंट बेस लेविस मैकार्ड में 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये अभ्यास 18 सितंबर 2019 को समाप्त होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम साइबर अपराध जांच पड़ताल तथा साइबर फॉरेंसिक पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 4 से 5 सितंबर के दौरान किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन CBI के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रॉबर्ट मुगावे का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो पूर्व राष्ट्रपति थे जिम्बाब्वे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगावे का 6 सितंबर 2019 को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा कप्तान बने? तो अब तक के सबसे युवा कप्तान है वो है राशिद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राशिद खान। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी एकमात्र टेस्ट मैच में मैदान पर उतरने के साथ ही इतिहास रच दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न, सोने के भंडार के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।